अरे ये कहाँ ले रही हो तुम? जब उनको पता चलेगा जो आपका पीछा कर रहे हैं कि आप बचने के लिए घर की तरफ भाग रहे हैं, तो आपके घर के रास्ते में आपको पकड़ लेंगे ना, आके हमारे साथ वाली गली में ही होंगे, आगे से आके हमको पकड़ेंगे। अब झुक जाइए। अरे एक तो टेंशन ब्लैडर भी फुल हो गया है। सर अभी सुसु करने का टाइम नहीं है, फटाफट डिग्गी के पीछे आके छुपिए। इजी ये कहीं डिग्गी खोलकर भाग ना जाए, कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? हम क्या बोल रहे हैं कि आप इतना डरे हुए हैं और आपके आवाज हो सकती है ना, आपके हाथ पैर हिलेंगे तो आवाज आ सकती है, उनको पता चल सकता है, तो हम आपके हाथ पैर बांध देगा। हाँ 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 बांधो बांधो। आप इतना आवाज कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, लेकिन क्या है ना, गड़बड़ आपको ही होगा, तो आपका मुंह बांध दे क्या, हम तो आपका आवाज नहीं निकलेगा। हाँ हाँ बराबर, बांधो बांधो बांधो। ठीक है ना? अब तो बता दे लड़का कैसे पटाते हैं। अरे यार ठीक से दबाना बेटा। अरे अब के तू पूरी बॉडी की मसाज करवाएगी के, बता दे अब। अच्छा चल ठीक है। अच्छा सुन, आंखों में आंखें डाल पर मोहब्बत से, नजाकत से देख ऐसे। अभी भी बात है, हसीना चुकती नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया, जाकर मिलकर आऊं क्या? अरे बुड्ढे, इस उम्र में गलत फहमी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अबे बुड्ढा होगा तेरा बाप है वो, देख मोहतरमा की इनायत मेरी तरफ है, अभी मैं मिलकर आता हूँ, देखते जा। अस्सलामुअलैकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। आपकी निगाहों ने हमसे कहा तो कुछ जरूर है। चचा आप ये दांत है ना आपके, वो किसी गमले में गाड़ दीजिए और ऊपर वाले को याद कीजिए, पता नहीं वो आपको कभी भी याद कर ले। पर मोहतरमा आपकी कातिल निगाहों ने हमें बुलाया था। कातिल निगाहें कत्ल भी कर सकती है चचा जान। आ, आ, क्या कहो कैसे लताई? जीजी कुछ नहीं, वो ताऊ ने गलत फहमी हो गई थी। तू कहाँ थी अभी तक, कोई टेंशन है के? करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाने का वजीर। अब इस वजीर को कौन सी चाल चलवानी है बस यही सोच रही हूं। संतोष शर्मा। हाय मैडम सर। संतोष शर्मा, वो जो अजय के मोलेस्टेशन केस में विक्टिम शिवानी की पूरी रिपोर्ट मिल गई? हाँ एक सेकेंड लाइए प्लीज। कोई अच्छी खबर हो। थैंक गॉड। क्या हुआ मैडम सर? विक्टिम के नाखूनों में अजय की स्किन मिली है, ये उसकी डीएनए रिपोर्ट है।
करिश्मा सिंह से कहिए कि तुरंत उस अजय उर्फ विक्रम को यहाँ थाने लेकर आए। जी। उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे, साबित करेंगे कि विक्रम ही अजय है। उसे दिखाएंगे कि कानून की ताकत क्या होती है और शिवानी को इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा हाँ, कोर्ट में आप प्लीज रिक्वेस्ट डालिए कि हमें डीएनए टेस्ट करवाना है। जी। अजय नाम है मेरा, बता दिया तुझे, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकती सैल्यूट मारने के सिवाय। करिश्मा जी फोन नहीं उठा रही है। अच्छा हाँ, वो विक्रम को फोन ट्राई करी। जी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है मैडम सर। दैट्स स्ट्रेंज, विक्रम का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, करिश्मा सिंह फोन उठा नहीं रही है, ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। आपकी कुछ बात हुई थी क्या करिश्मा सिंह से? वैसे तो नहीं मैडम सर, मगर कल पूरी रात वो परेशान सी घूम रही थी घर में, गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए। रात में ऐसा क्या हुआ था? हाँ करिश्मा सिंह कहिए। सॉरी सर। क्या बोला? सॉरी, जानबूझ के टकरा था उससे। सॉरी। बीस मिनट, लगभग 20 मिनट तक करिश्मा सिंह ने हमारी बातें सुन ली थी क्योंकि हमारा फोन चालू था। कहीं करिश्मा सिंह अजय के साथ कुछ। तोहफा लाए हैं, तुम्हारी शिवानी ताई को जाकर बोलो। एक कपड़ा पहन लीजिए, वर्दी पे अंदर आना मना है। चलिए हम तोहफा लेकर आते हैं। चलिए जंगल आ गया है। चलिए 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 चलिए। आओ पकड़ो, पकड़िए पकड़िए। तुम्हारा मुजरिम लाए अजय वर्मा, कर लो अपना इंसाफ। ताई, लखनऊ की हवा आज कहीं और से चल रही है लगता है। करिश्मा सिंह ने मुझे मेरा बदला लेने से रोका, मैंने उस पर हाथ उठाया तो उसने मुझे गिरफ्तार भी नहीं किया। चाहती तो मुझे 2 मिनट में जेल में डाल सकती थी क्योंकि मैंने पुलिस अफसर पर हाथ उठाया, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अब मेरे ही मुजरिम को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि मुझे इंसाफ मिले। लखनऊ की एक पुरानी कहावत है, जब भगवान आपके दरवाजे पे आए तो उससे सवाल नहीं करने चाहिए। आपने बताया नहीं इन्हें सारा भी? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हमारे थाना में एक माँ आई थी फरियाद लेकर, उसकी बेटी भटक गई थी अपने उसूलों से, अपने तरीकों से। नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हमने समझ लिया था। लेकिन करिश्मा सिंह कभी पीछे से वार नहीं करती है। मुकाबला हो तो एकदम बराबर का हो ना। अगर ऐसे मारपीट के लिए हम शिवानी को जेल में डाल देते तो उससे बड़ा टोपागिरी और कुछ नहीं होता। हमें ऐसा जीत नहीं पसंद है। अभी पब्लिक तुम्हारा नाम जप रही है, हमारा जीत तब होगा जब पब्लिक का भरोसा फिर से पुलिस की वर्दी पर होगा। अभी तुम कर लो अपना इंसाफ, ले लो अपना बदला। तारीफ करते हैं आपकी करिश्मा सिंह जी,
माँ की फटकार के साथ उसकी गुहार भी पहचान सकी। लेकिन माफ करना, पूरा सच तो तुम भी नहीं बोल रही, पर ये हमारा तजुर्बा कहता है। ये बहुत ही बदतमीज इंसान है, इसने मैडम सर का बेइज्जती किया है। और तेरी तो अनबन चल रही है ना अपनी मैडम से। वो हमारे और मैडम सर के बीच की बात है। हम लड़े मरे जो मर्जी करे, लेकिन किसी तीसरे को गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि हम मैडम सर का बेइज्जती सह लेंगे। तो यो काम तो तू वहां भी कर सकती थी, इसने यहाँ क्यों लेकर आई है? क्योंकि करिश्मा सिंह ने अपनी मैडम को वचन दिया है कि वो कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएगी। करिश्मा सिंह का भौकाल अपनी मैडम के वादे की हथकड़ियों में बंधा हुआ है, इसीलिए करिश्मा सिंह हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आएंगे। हम बस इस आदमी को पिटता हुआ देखना चाहते हैं। इसको इतना मारो ना कि तुम्हारा इंसाफ और हमारे अंदर का दर्द दोनों खत्म हो जाए। खातिरदारी करने में हमने कभी कोई कमी नहीं की। बिन्नी तैयारी कर, करिश्मा मैडम के अरमान पूरे करते हैं। जब तक सच नहीं कबूलेगा तब तक मेरे हाथ नहीं रुकने वाले, और तेरे पास सिर्फ ये रस्सी जलने तक का टाइम है। जैसे ये रस्सी जल जाएगी ना, ये तलवार सीधा तेरे भेजे में। हो गया या और खातिरदारी करूं? इसको और मत मारना, क्योंकि अब मारोगे तो ये मर ही जाएगा। बचा के रखो उसको। इसे सच बोलना ही पड़ेगा, ये मर गया तो दुनिया को सच कैसे पता चलेगा? इसे तो जिंदा ही रहना पड़ेगा। मैं अजय वर्मा, मैं मरा नहीं था। गुनेगार मैं हूं, शिवानी बेकसूर है। बस कर बिन्नी, अब आगे हसीना मलिक इसे सजा दिलाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर लेगी। करिश्मा सिंह, अपन दोनों की सोच बहुत मिलती है, और किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए दो सोच का एक होना बहुत जरूरी है। सोच के देखना। मैडम सर, टीवी? हाँ पुष्पा जी, ये कोई वक्त है टीवी देखने का? गजब पुष्पा जी, गजब। टीवी पे न्यूज़ आ रहा है कोई। वो मैं अजय वर्मा, मैं मरा नहीं था। आज से 5 साल पहले मॉलेस्टेशन के केस में, उस केस से बचने के लिए मैंने मरने का नाटक किया था, और फिर अपना ही जुड़वा भाई बनकर मैं सबके सामने आया।
शिवानी को एमएमएस कांड में मैंने ही फंसाया था। विक्टिम मैं नहीं था, शिवानी थी। मैंने ही वो एमएमएस उसके फोन से लीक किया था, फिर पुलिस को रिश्वत खिला के पूरा केस मैंने उल्टा करवा दिया था। गुनेगार मैं हूं, शिवानी बेकसूर है। एक केस और दो निशानी, शिवानी एमएमएस की गजब कहानी। सिंगारी गैंग ने आज एक और केस पे अपना फैसला सुनाया। पुलिस सोती रही, अन्याय होता रहा, तब हुआ न्याय सिंगारी गैंग का। ये सब करिश्मा सिंह की वजह से हुआ, ये उन्हीं का मन किया। तो बहुत था मैडम सर कि इसका नामकरण हमारे हाथों हो, लेकिन आपको जबान दे दिया था तो हम मुकर कैसे सकते थे उससे। लेकिन इसने जो आपका इंसल्ट किया, आपका बेइज्जती किया ना, उससे हमको एसिडिटी हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना चिंगारी गैंग से अपना एसिडिटी का इलाज करवा लें। करिश्मा सिंह, आप समझती क्यों नहीं है कि आप जल्दबाजी में क्या गलती कर बैठती हैं? मैडम सर, आप भी तो नहीं समझती है ना कि हम जो कुछ भी करते हैं वो काहे करते हैं। अजय के खिलाफ हमारे पास सबूत थे। हाँ मैडम सर, माफ कीजिएगा, हम आपको ऐसे बीच में काट रहे हैं। हमारे पास सबूत पहले से थे, लेकिन हम सबूत इकट्ठा करते रह जाते हैं और वो पैसे दे के सब खरीद लेता है। अब नहीं खरीदेगा, अब आप उसको सीधा जेल में डालिए। चीता चतुर्वेदी, इस कन्फेशन के बेसिस पर अजय का अरेस्ट वारंट निकालिए और घसीट कर लाइए उसे थाने। जी मैडम। करिश्मा सिंह, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। करना तो इसे भी नहीं चाहिए था। इसने जो आपको बेइज्जती किया ना मैडम सर, इसने जो आपका इंसल्ट किया, ये नहीं, कोई और भी होता ना तो 2 बार नहीं 100 बार ये गलती दोहराएंगे हम, और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हेलो। हेलो नहीं चीचा, हाय। आपके जो सुपुत्र है ना, अजय वर्मा उर्फ विक्रम वर्मा, क्या है कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट आया है। चलिए फटाक से बुला दीजिए उनको। वो क्या है बेटा, थोड़ा पहले आए होते ना तो ले जाते अपने साथ। वो क्या है कि अभी लंदन की फ्लाइट में बिठा के आया हूं उसे, अगर वापस आ जाए तो ले जाना अरेस्ट करके। अगर वापस आ जाए तो अभी आप जा सकते हैं। मैडम सर। क्या क्या हुआ मैडम सर? अजय देश छोड़कर भाग गया लंदन। हम तो यहाँ पर आए थे अजय की बारात देखने, लेकिन दूल्हा तो मंडप से ही भाग गया। मतलब हमने तेरे को सबूत तक निकलवा कर दिए, लेकिन तू फिर भी उसे जेल में नहीं डाल पाई। वो जेल जाएगा, चाहे वो कहीं भी भाग जाए, लंदन या न्यूयॉर्क। देखा तय, कितनी उम्मीद है इसको। अरे ऐसी थोड़ी ना मैं फैन बनी इस हसीना मैडम की। एक बार जो लंदन गया है वो कभी वापस नहीं आ पाया है, उसे कभी कोई ला ही नहीं पाया, लेकिन हसीना मैडम की उम्मीद तो देखो, ये ले आएगी लंदन से अजय को और उसे सजा भी दिलवाएगी। हाँ दिलवाएंगे, हमने जैसा कहा है वैसा होगा, इंसाफ जरूर होगा। दवा वक्त पे ना मिले तो उसकी तासीर बेकार, जरूरत के वक्त अपने पैसे ना मिले तो उसकी कीमत बेकार। और मैडम, अगर वक्त पे इंसाफ ना मिले तो वो कानून बेकार। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसीलिए इस समाज को चिंगारी की जरूरत है, क्योंकि वो तुम्हारे तरह मजबूर नहीं होती। हर सिस्टम में कमियां होती है,
लेकिन उन कमियों को सुधारने के लिए कानूनन ही काम करना पड़ता है, कानून को हाथ में लेकर नहीं। लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ कानून तोड़ना आता है, और ये गलती हम आप सबको हरगिज नहीं करने देंगे। तेरी वजह से करिश्मा सिंह का भौकाल बंद हुआ है, लेकिन चिंगारी का भौकाल कोई बंद नहीं कर पाएगा। देखो जितने सपने देखने हैं ना तू देख ले, लेकिन वक्त रहते ही ना उन सपनों को देखना बंद कर, तेरे लिए अच्छा होगा, वरना अपनों को खो बैठेगी। करिश्मा सिंह थैंक यू।